आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका मुबारकबाद मैं देने गया था। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी शक्ति के पावर हाउस हैं और उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश की जो स्थिति है उस पर चर्चा की है, प्रदेश को आगे कैसे लेके जाना है उस पर चर्चा की है, किन किन क्षेत्रों में फोकस करना है उस पर चर्चा की है। हरियाणा को लेकर के और क्या कुछ खास चर्चा, क्योंकि अभी तीसरी बार सरकार बनी, क्या कोई 100 दिन को लेकर के कोई चर्चा केंद्र की तरह हरियाणा में भी कुछ ऐसा टास्क लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, कुछ चर्चा हुई प्रधानमंत्री? नहीं, भिन्न भिन्न योजनाओं की चर्चा हुई है और सभी क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए हमको काम करना है, सभी डिपार्टमेंट अच्छे ढंग से काम करें ये आवश्यक है। अगर हम बात करें अहम बिजली विभाग को लेकर के भी कुछ फैसले भी ले गए, जिससे कोई शॉर्ट ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर शॉर्ट सर्किट में से किसी के कहीं आग लगती है उसको लेकर के भी सरकार नहीं, कल बिजली विभाग के साथ मेरी पहली बैठक थी सभी डिपार्टमेंटों के साथ, उसमें कई हमने निर्णय लिए हैं। एक तो हमने निर्णय लिया है कि जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं कई कई दिन तक वो रिप्लेस नहीं किए जाते हैं और उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, तो वो हमने फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था बनाएं, अब वो क्या करें कैसे करें वो उनका काम है, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि शहरी क्षेत्र में एक घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाए और ग्रामीण क्षेत्र में दो घंटे में ट्रांसफार्मर जो बदला जाए। जो लैंड लॉसेज हैं वो हालांकि 10% के हैं, दोनों जो उत्तरी निगम हैं और दक्षिण निगम हैं 10% हैं, लेकिन उसको 10% से भी नीचे लाने का तय किया है। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसके तहत 31 मार्च तक 1,00,000 कनेक्शन देने का फैसला किया है कि 1,00,000 कनेक्शन लोगों को दे दिए जाएंगे। किसानों को जो 10 हॉर्स पावर से कम की मोटरें हैं उसके जो अब सोलर पंप लगाए जाने हैं उसको भी त्वरित गति से सबको कनेक्शन देने का हमने फैसला किया है। जो लोगों के ग्रीवेंसीज रिड्रेसल हैं उसको तेज़ी से और पारदर्शिता से उसको करने का फैसला किया है कि सर्कल लेवल पर उनको रेगुलर सुना जाए और उसकी अपीलेट अथॉरिटी है, अगर कोई उसमें अपील करना चाहे तो अपील में जा सके। अक्सर देखने में आया है कि अगर किसी की बिजली की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ठीक करने के लिए कंज्यूमर से ही सामान मांगा जाता है, तो हमने कहा भी अपना पर्याप्त मात्रा में हर सर्कल में पूरा सामान रखें। जो मीटर से आगे का है वो तो कंज्यूमर का है, लेकिन मीटर तक जो अगर तार डैमेज होती है या कुछ भी होता है वो डिपार्टमेंट लगाएगा, लोगों से नहीं मांगी जाएगी, और अगर लोगों की कहीं से भी शिकायत आएगी हम उसके सख्त कार्रवाई करेंगे। कई बार कनेक्शन से जो शॉर्ट सर्किट से प्रॉपर्टी जल जाती है, मकान दुकान दफ्तर को आग लग जाती है, तो अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई नीति नहीं है कि उनको मुआवजा दिया जाए। उसके लिए मैंने नीति तैयार करने के लिए कहा है कि नीति तैयार की जाए और अगर किसी का हमारी वजह से नुकसान होता है तो वो हमें उसे नुकसान की हमें भरपाई करनी चाहिए। विपक्ष से किस तरीके की उम्मीदें कर रहे हैं, हालांकि अभी तक विधानसभा का सत्र 13 तारीख से बुलाने की बात है, लेकिन विपक्ष में अभी विधानसभा विपक्ष का नेता किस तरह कहता है नहीं हुआ है, क्या कहेंगे कांग्रेस की भूमिका को लेकर के, हालांकि विधायकों की संख्या उनकी बड़ी जरूरत है तक पहुंचे हैं? ऐसा है कि विपक्ष तो अभी तक सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को सरकार समझ लिया था और अपने विभाग भी बांट लिए थे, अधिकारियों की सूचियां भी बना ली थी कि किस सीट पर किसको लगाया जाएगा, तो उनको इतना गहरा सदमा लगा है। तो हम प्रार्थना करते हैं
कि वो सत्रहवें से जल्दी बाहर आ जाएंगे। सर कांग्रेस ने कमेटी बनाई है जो हारे हुए प्रत्याशी है उनसे बातचीत करेंगी और वो कमेटी आगे कोर्ट जाने का फैसला करेगी, किस तरीके से देखते हैं? कमेटी के अंदर ही लड़ाई उनकी चल रही है, शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि हारे हुए प्रत्याशियों को ही कमेटी के अंदर शामिल कर दिया। देखिए कमेटी बनाई है, हार का कारण ढूंढना चाहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। उसको दूर कैसे करना है उसका इलाज वो खुद कर लें। अगर मेरे बयानों पर गौर किया जाए तो जब राहुल गांधी जी प्रदेश में आए थे तो मैंने कहा था, उनका स्वागत किया था। मैंने कहा राहुल गांधी जी जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ से कांग्रेस हार जाती है और वहाँ पे हम जीतते हैं, तो उनका आना हमारे लिए शुभ है, तो उनको कैसे रोकना है इसके बारे में ये विचार करें। सर एक आपके यहाँ आदेश आया है कि ढाबों पर बस ना रुकने को लेकर, इसके थोड़ा सा नहीं देखिए क्यों रुके ढाबों के ऊपर? रेलवे स्टेशन, रेलवे गाड़ी कहीं रास्ते में रुकती है कि यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट आ गया, होटल आ गया, यहाँ रोटी खा लो, स्टेशन पर रुकती है। उसी प्रकार से बसें भी बस स्टैंड पर रुकें और बस स्टैंड पर सारी जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, बस स्टैंड साफ किया जाए, टॉयलेट पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए सब जगह के ऊपर, और खाने के लिए भी जो वहाँ पे पदार्थ मिलते हैं, मैंने फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि रैंडम हमारे सारे बस अड्डों पर सैंपल भरे जाने चाहिए ताकि लोगों को नकली चीज़ें ना मिले, असली खाने का मिले। और उसके साथ साथ मैंने डिपार्टमेंट को ये भी आदेश दिए हैं कि वो एक कॉरपोरेशन बनाएं, जैसे रेलवे में कॉरपोरेशन बनी हुई है और वो सारे स्टेशनों पर और गाड़ी में रोटी मुहैया कराती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस में भी पहले रेलवे के ही होते थे, अब मुझे मालूम नहीं है किसकी होती है, तो इतनी उनकी गुडविल है। तो ऐसे स्तर के अपने बस स्टैंडों के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए ताकि सारे बस स्टैंडों के ऊपर एक व्यवस्थित और अच्छा खाना भी लोगों को मिल सके। कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने मुख्यतः उद्देश्य पार्टी के अंदर अंतर के लिए नहीं बल्कि ये रखा है कि अधिकारियों की मिलीभगत, उनका कहना है कि भूमिका सरकार की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट्स की राय के साथ कोर्ट में जाएंगे, जो 52 विधानसभा ऐसी है जहां उनके उम्मीदवार हारे हैं, तो वहां पर सरकारी मशीनरी। देखिए जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक अफसोस मनाया जाता है, 13 दिन के बाद फिर वो अपने रेगुलर काम में लग जाते हैं, तो इनको तो अब 21-22 दिन हो गए, इनको भी अपने काम में लगना चाहिए। ठीक है सर, पराली को लेकर क्या कहना है सर? पराली जो जो भी हमें उच्चतम न्यायालय निर्देश दे रहा है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है अभी और वहाँ पर बकायदा सरकारों को बुला के आदेश भी दिए जा रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।